दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में मांस खाने वाले सिर्फ दो लोग हैं, एक इंसान, दूसरा जानवर, और कुछ गिने चुने पक्षियां भी है जो कि मांसाहारी होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा क्या आपने सुना है कि इस दुनिया में कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो जानवरों का शिकार करते हैं? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए आज के हैरतअंगेज वीडियो के लिए, जिसमें हम लेकर आए हैं दुनिया का 10 ऐसे पेड़ पौधे जो बेहद ही खतरनाक है, जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। वाटर व्हील प्लांट। अब आप जिस खतरनाक प्लांट को देख रहे हैं उसका नाम वाटर व्हील प्लांट है। ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के देशों में पाए जाते हैं। ये पौधा साफ और गर्म पानी में पनपता है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने पौधे में एक जाल बनाता है, और जब इनके शिकार उसके जाल में फंसता है तो ये पौधा उसी वक्त अपने पत्तियों को बंद कर देता है। इस पौधे का शिकार ज्यादातर मक्खियां एवं मच्छर होते हैं। आपको बता दें कि इस पौधे को IUCN ने विलुप्त होते पौधे के लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि इस तरह के पौधे की प्रजाति काफी तेजी से कम हो रही है। इस पौधे की पत्तियां फ्री फ्लोटिंग की तरह चारों तरफ एक चक्के की तरह फैली होती है, और इसी वजह से इसे वाटर व्हील प्लांट कहा जाता है। कोबरा लिली। ये पौधा मांसाहारी के साथ साथ अपने सुंदर सुडौल पत्तियों के लिए भी इस दुनिया में जाना जाता है। इस पौधे को कोबरा लिली कहते हैं। इसका कारण ये है कि इसकी पत्तियां कुछ हद तक एक कोबरा सांप की तरह दिखाई देते हैं। इस पौधे को कैलिफोर्निया पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। ये पौधा भी बेहद शिकारी है, और इनके शिकार करने का तरीका ये है कि पहले तो ये अपने पत्तियों से एक मीठी गंध को छोड़ते हैं, जिसके कारण छोटे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होकर खींचे चले आते हैं। उसके बाद इसके पत्तियों में उलझ कर रह जाते हैं और वापस कभी बाहर नहीं निकल पाते। दरअसल इस पत्तियों में ढेर सारे ट्रांसपेरेंट छोटे छोटे खिड़कियां बनी होती है, जिसके अंदर लाइट के मैनिपुलेशन के कारण वो कीड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कीड़े को लगता है कि वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन अफसोस वो उतना ही फंसने लगते हैं और अंततः उनका मौत हो जाता है। आमतौर पर ये मांसाहारी पौधे नॉर्थ कैलिफोर्निया और सदर्न ओरेगन में पाए जाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से जाने वाले इस पौधे की बनावट इसे सबसे अलग और खास बनाती है। इसके पत्तियों को देखकर ही ऐसा लगता है कि ये काफी खतरनाक पौधा है। इसके शिकार करने का अंदाज भी काफी अलग है। दरअसल जब भी कोई कीड़ा इस पौधे पर आकर बैठता है तो उसी वक्त ये पौधा अपने पत्तियों के मुंह को बंद कर लेता है और उसे तब तक अंदर रखता है जब तक उस कीड़े की जान न निकल जाए। ये खतरनाक पौधा दुनिया के फिलीपींस और साउथ एवं नॉर्थ कैरोलिना देशों में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये पौधा मक्खियां, टिड्डे और छोटे कीड़े मकोड़े को ही खाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो वीनस फ्लाई ट्रैप के पत्तियों के अंदर कांटे होते हैं, जिसे कीड़े को अंदर बंद करते ही वो उस नुकीली कांटों से घायल हो जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है। दुनिया का एक ऐसा मांसाहारी पौधा जो अपने शिकार को तड़पा कर मारने में माहिर है। पिचर प्लांट। ये पौधा अपने रंग बिरंगी और खूबसूरत बनावट के लिए इस दुनिया में जाना जाता है। इस पौधे को पिचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इनके पत्तियों का शेप और बनावट एक लंबे खोखले पाइप की तरह होता है, जिन्हें पीट फॉल ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये पौधे ज्यादातर दलदली जगहों पर उगते हैं और अपने लंबे खोखले पत्तियों से अपने शिकार को फंसाते हैं। जब भी कोई रेंगने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े इनके रंगीन पत्तियों की तरफ आकर्षित होते हैं और जैसे ही इनके संपर्क में आते हैं तो ये पौधा अपने ओवर कैप को बंद कर लेते हैं, जिसके बाद कोई भी शिकार उसके अंदर फंस जाता है और कुछ देर में अपना जान गंवा देता है। ये शिकारी पौधा अपने शिकार से काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए कि जिस जगह पर ये पौधे उगते हैं वहाँ की मिट्टी काफी खराब होती है, जिससे उन्हें जीने के लिए काफी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, और उसी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए ये जीवों को मारते हैं। आपको बता दें कि पिचर प्लांट के अंदर के हिस्से काफी फिसलन वाली होती है और ऊपर के हिस्से में रेशेदार जाल बने होते हैं, जिसमें इनके शिकार आसानी से फंस जाते हैं। आपको बता दें कि काफी सारे बीमारियों के लिए भी इस पौधे का खास इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अपच, सरदर्द, लीवर समस्या जैसी बीमारी शामिल है। वाटर बॉट। मांसाहारी पौधे में एक नाम वाटर बॉट की भी है। इस अजीबोगरीब पौधे की करीब 80 प्रजातियां पाई जाती हैं। दिखने में ये तो पौधे की पत्तियां काफी कोमल और सुंदर लगती हैं, लेकिन ये पत्तियां छोटे जीव के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इनकी पत्तियों पर एक खास तरह के चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसके संपर्क में आते ही कीड़ा उससे चिपक जाता है, और ये इतना चिपचिपा होता है कि कोई भी जीव इस पर चिपकते ही काफी बुरी तरीके से फंस जाता है, जिससे उसे बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। और जैसे ही कोई कीड़ा इस पर चिपकते हैं, इस पौधे से निकलने वाली एंजाइम इसे पचाना चालू कर देता है। ये पौधे यूरोप, साउथ एशिया के साथ नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं।
ब्लैडर वॉर्ट। ब्लैडर वॉर्ट दुनिया के कई जगहों में पाया जाता है। ये ज्यादातर झीलों या तालाब में देखने को मिल सकता है। इनके पत्तियां काफी छोटे होते हैं। ये काफी हल्के पौधे होते हैं जिसके वजह से ये पानी के सतह पर तैरते रहते हैं। इनके पत्तियां बड़े होकर एक ब्लैडर की तरह बड़े हो जाते हैं और हर ब्लैडर के मुंह पर एक खोखले दरवाजे बने होते हैं जो कि अंदर की तरफ खुलता है, और जैसे ही कोई कीड़ा या जीव इनके संपर्क में आता है तो ये पौधा उसे अंदर की तरफ खींच लेता है और उसके बाद अपने ब्लैडर का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके कुछ ही देर में कीड़ा मर जाता है और उसके बाद वो पौधा उस कीड़े को चूसना चालू कर देता है। दुनिया भर में ब्लैडर वॉर्ट की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है जो छोटे कीड़े को मारकर अपना पेट भरती है। दरोसेरा। अब आप जिस पौधे को देख रहे हैं उसे संदूज के नाम से भी जाना जाता है। दरोसेरा अपने पेट भरने और जिंदा रहने के लिए कीट पतंगों को मारने में काफी माहिर होते हैं। इस पौधे के चारों तरफ करीब 25 पत्तियां फैली होती है और हर पत्तियों पर काफी लंबे लंबे बाल होते हैं, जिसके टॉप पर एक खास तरह का चमकीला पदार्थ होता है, जिसे देखकर छोटे जीव इस पौधे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जैसे ही वो संपर्क में आते हैं वो वहीं चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद इस पौधे का हमला शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में उस कीड़े को पूरी तरह से लपेट लेता है। उसके बाद उसे पूरी तरह जकड़ने के बाद वो पौधा एक खास तरह का केमिकल को छोड़ता है, उसके बाद उस कीड़े को चूसना चालू कर देता है। ये पौधा ज्यादातर कम नाइट्रोजन वाली जगहों पर पैदा होते हैं। सारासीनिया। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पाए जाने वाले अजीबोगरीब पौधे को सारासीनिया के नाम से जाना जाता है। ये पौधे की खासियत यह है कि इसकी बनावट एक सुराही के जैसा होता है, जिसके मुंह पर छोटे रेशे वाले कांटे बने होते हैं और इसी खोखले सुराही में ढेर सारा पानी भरा होता है। देखने में ये काफी चमकीले और रंग बिरंगे होते हैं, जिसके वजह से कीट पतंगे इनके तरफ आकर्षित होते हैं, और जैसे ही वो इस पौधे पर बैठते हैं वो इस सुराही नुमा बने चेंबर में फिसल जाते हैं। उसके बाद ये कभी बाहर नहीं निकल पाते। अगर निकलने की कोशिश करते भी हैं तो इसके ऊपर बने कांटेदार बाल उन्हें नीचे की तरफ दोबारा धकेल देते हैं, जिसके बाद उस कीड़े का उसी पानी में डूबने से मौत हो जाती है, और उस कीड़े को मरते ही ये पेड़ उसके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स चूसना शुरू कर देते हैं। ट्रिगर प्लांट। इस पौधे का नाम से ही पता चल जाता है कि ये कितना खतरनाक होगा। इस ट्रिगर प्लांट का सुंदर सा फूल होता है और जब भी कोई जीव इस फूलों पर बैठता है वो वैसे ही खुद को हवा में किसी तेज ट्रिगर की तरफ बाहर फ्लोट करने लगता है, और इसकी रफ्तार इतनी अधिक होती है कि छोटे कीट पतंगों को पता भी नहीं चलता है और उनकी मौत हो जाती है। एक ऐसा पौधा जिसमें किसी रोबोट की तरह इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है, जिसे मात्र छू जाते ही उसके ट्रिगर जोर से बाहर हमला करते हैं। इतना ही नहीं, इस पौधे से निकलने वाली म्यूकस एंजाइम इनके शिकार के लिए और भी खतरनाक होता है। मरने के बाद यही एंजाइम तुरंत उस कीड़े को पचाने लगते हैं। इस खतरनाक पौधे की दुनिया भर में 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और एशिया देशों में पाए जाते हैं। ये दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन एक इंसान को भी इससे काफी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। क्रोक स्क्रू। इस वीडियो के आखिर में जिस पौधा को दिखा रहे हैं वो पौधा ना सिर्फ दिखने में खतरनाक है बल्कि उसका शिकार करने का तरीका भी बेहद अजीबोगरीब है। बाकी पौधे जहां अपने शिकार के लिए पत्ते और फूलों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये पौधा अपने शिकार को मारने के लिए अपने जड़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहले आपको बता दें कि ये पौधा पानी वाले इलाकों में पनपते हैं, और जब भी कोई जीव इनके जड़ों में प्रवेश करता है उस जीव का पूरा शरीर एक केमिकल रिएक्शन के चलते पूरी तरह पिघल जाता है। हालांकि ये कौन सा केमिकल है और किस तरह से रिएक्ट करता है का पूरी तरह से वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन क्रोक स्क्रू का इस तरह से शिकार करना वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर छोटे कीड़े मकोड़ों की मौत इनसे कैसे हो जाती है। इस पौधे का लंबे हरे पत्तियां वाकई एक आकर्षक लुक देती है, जिसके चलते कई सारे लोग इसे अपने गार्डन में भी लगाते हैं। अब तक हम सब यही जानते थे कि सिर्फ जानवरों और इंसान ही मांसाहारी होते हैं और अपने पेट भरने के लिए मांस का सेवन करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हमने जाना कि कई सारे पौधे भी हैं जो मांस को खाते हैं। आपको इनमें से कौन सा पौधा सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अनोखे जीव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।